राम चांद तोरी जय करी न जय जय रखे श्री भगवान। जय गंगा राम चांद तोरी जय करी जय जय रखे श्री भगवान। जय गंगा मोर वासुदेव बिलियन में रहा लोहा कटोरी में धांधे रहा। जय गंगा वासुदेव बिलियन मारा लोहा कटलियन धांधे रहा। जय गंगा मोर नौ से चौकी पहरा लगे लगे पहाड़ वर कंसा के। जय गंगा नौ से चौकी पहरा कैसे रे त्यारू, अब तो टोरी की तबीयत कैसे है? आपकी कृपा से बने हैं माली। हाँ सुन, दो चार दिन बाद एक घाव आओ डॉक्टर ला दिखा देवे। पैसा कौड़ी की जरूरत होई तो ले जावे। हाँ मालिक। हाँ जा। हाँ हार ले मालिक। अरे विक्रम कैसे आज कैसे आ रहे? एक आध घंटा बाद ट्रैक्टर ला लेगु कह के आ रहे हैं दाऊजी। अरे ट्रैक्टर हाँ तो अभी धान मिजा था वे। यहाँ के हर मिजा जाई तान ले जावे। बन ही बन जाही। हाँ अच्छा दाऊजी। यार दाहन चाय लेके बर कह रहे हो लेके समुद्रा सुसी सुसी दाई तो जान जल्दी हमरा के आवो अभी लेके थे बोटनी। ये बात तो है। उमराव सिंह के विषय में आए दिन कहीं ना कहीं मऊ और सुनत रही थो। वो जोन करत है वो ठीक नहीं है। वो सोचते है कि पैसा और ताकत के आगू इंसानियत के कोनो कदरे नहीं है। ऐसे कैसे चल ही रे भाई। एक काम करथन, एक दिन हम सब मिलके राजधानी चलथन, ये समस्या के निदान खातिर कुछ बातचीत करथन, ठीक है? अच्छा दाऊजी, आज हम सब चलथन और फिर जौन दिन चलना हो ही वो दिन आप खबर भेजवाओ। ठीक है चलो चलो भैया। अच्छा दाऊजी नमस्कार। नमस्कार। अरे अंदोली जी दाऊजी। अरे राकेश सर कहाँ है? भेज तो रे। हाँ दाऊजी। ये आज निकले हैं टूरी सवर के रे इला लाज नहीं लागे। आज निकले हैं टूरी सवर के रे इला लाज नहीं लागे। आज निकले हैं टूरी सवर के रे इला लाज नहीं लागे। मनमा बरछी कटारी लाज नहीं लागे। जाने का घर मुड़ मका ये गिर ही अरे गिर ही भैया। अरे जाने का घर मुड़ मका ये गिर ही गिर ही गिर ही नहीं जावे कोनो उबर के। हाय घूरी निकले है सज सवर के रे हिला लाज नहीं लागे। आज निकले है टूरी सवर के रे हिला लाज नहीं लागे। मोहनी रूपे मजादू अंग अंग मा नखराला भर के।
सवारी उद्यो तीन तीर मार कुबा कारी पूरी मांग सवारी तीन दिन के शोभा भागे पूरी मुन्नु काये देखे ओधा वधा को दीवाना पीरित मा भैया हो गए रे भर जवानी हाय हाय हो गए रे भर जवानी हाय हाय हो गए रे भर जवानी आओ देख ले ओए टूरी माया मचाओ न ल मांगे वो कभू नहीं पानी हाय हाय मांगे वो कभू नहीं पानी हाय हाय मांगे वो कभू नहीं पानी अरे आगी ये झंझू में लाए जर थे सिंह बोल रहा हूँ बोलो काम हुआ कि नहीं देखो तुम जिस काम के लिए गए हो वो काम करके ही लौटो काम दाम दंड भेज जैसे भी हो मुझे वो तीनों पुल का ठेका चाहिए समझे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता बस प्रणाम भाई जी कैसा रहा तुम्हारा छत्तीसगढ़ भ्रमण ठीक ही रहा भाई जी ठीक ही रहा मतलब भाई जी आप तो कहते रहे कि छत्तीसगढ़ में दौलत का भंडार ही भंडार है पर ये ससुरा भंडार तो हमका कहीं नहीं दिखत रहा दिखेगा भी कैसे बेवकूफ हो तुम इन छत्तीसगढ़ियों की तरह ये भी कहां देख पाते हैं दरअसल जिस जगह ये रहते हैं ना वहां दौलत की जन्नत है जन्नत जिन पगडंडियों पर ये नंगे पांव रेंगते हैं ना उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उसके नीचे हीरे मोतियों का खलीचा बिछा हुआ है जंगल पहाड़ नदी नाले लांग जाते हैं ये लोग अजनबियों की तरह पर इसमें छिपे दौलत के भंडार को कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते कितने बदनसीब हैं ये लोग जो अमरता की बस्ती में रहकर भी जिंदगी की दुआ मांगते फिरते हैं चारदा बाबू इनकी जमीन पर इतनी दौलत है अगर ये चाहें तो अपना एक मुकम्मल आकाश बना सकते हैं पर इसके लिए चाहिए शातिर दिमाग और चोखी नजर बिल्कुल आप ही की तरह ना भाई जी ठीक समझे शारदा बाबू जब मैं पहली बार इस छत्तीसगढ़ में आया था ना तो दो वक्त की रोटी भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिलती थी मेरी कुल जमा पूंजी एक लोटा और एक कंबल के सिवाय कुछ नहीं पर एक पूंजी मेरे पास थी जो मुझे मेरे पूर्वजों ने दी थी और वो थी शातिर दिमाग और चोखी नजर और इसी शातिर दिमाग और चोखी नजर की बदौलत मैं आज इस मुकाम पर हूँ शारदा बाबू मैं अपनी इस कामयाबी को आसमान की उस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ जहां से मैं चांद और तारों को अपने इन्हीं हाथों से छू सकूं, समझे बहुत ही नेक विचार है भाई जी बस ये गरीब का कछु ख्याल रहे हम आपकी सेवा में सर्वस लगा दूंगा भाई जी बस तो लग जाओ सेवा में शारदा बाबू अब हमें चलनी है अपनी चाल इनके भोले और सीधेपन का फायदा उठाकर जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ लेना है दीमक की तरह इस जमीन के भीतर घुसकर इसे खोखली कर देना है और चढ़ जानी है इसकी सारी मिठास समझ गए समझ गए भाई जी समझ गए बढ़िया
ज्यादा चुल झंझिला नहीं तो चिकला गिल्ला हो जाए। सरोज एक बात बताओ, चिकला में समा कितने बड़े गजब पर दिखा था ईमान से? अरे हाँ यार, सिरतोन में सरोज बहुत खूबसूरत दिखा थे। जानता सरोज तो काकर सही दिखा था तेनला। काकर सही बतावो? हाँ। टोपरा में पगुरावत बैठे भाई जी सही। छोड़ दाई जा कोनो ऊपर गाज गिरा दो। ये बड़े दोनों पांच जाता है। टक 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 मोर पाँव में काटा नहीं गलन देते। ये दी जावा वो दी संगे संग में जात जोड़ी। हरियाणा भरी के ती कार में गलो मर संग में जात रे। ते कोन रानी दुखाई के आखी फुट गए। बोधरा का हो गया भाई दी, का हो गया? मोर जोड़ी गवा के कचरा। आई जोड़ी गवा के करम फाग के भगवान, कैसन जोड़ी गवा दी से भगवान, कैसे हो गए बोतरा? रात की दी से हाँ पर फजर देखे तो कौन जानी कतना की थी। तारिया डबरी कोठा ढेकी कुरियल घालो खोजे बकरी बारिल सब और खोज डाले बहनी नहीं दिखी। जन संसार में आए एक दिन जाते बहनी, ले चुप रहा बहनी ले चुप रहा। अरे चुप रहो बहुत दुख लगे गलत तो। हो हाँ बहनी कभू मरा काटा था कि नहीं काटा सी कचरा मुला पोपड़ा नहीं थी बंदी ये जाती है पाछू पाछू संगे संग मरा तरिया डबरी हाट बाजार जाओ मई के जाओ तब मोर संग मेरा है वो। कैसे कर बे बहनी कैसे कर बे वो तो रोज के दिन के साथ रीत वो रोज के दिन के संग रीत बहनी। कहा हो गए वो तू मन काबर रोवा तो गली में बाबू फिरंगी ये बोधराग जोड़ी गवा के बाबू। काकर एक जोड़ी वो? हाँ। अरे एक जोड़ी ला तो पान ठेला में छोड़ के आता अभी वो। पान ठेला में? आओ दोनों जन संग्रह पान खाएं। दोनों जन पान खाए? आओ कसिया बोधरा देखते जोड़ी की बात लग करता बहनी। वो जोड़ी नहीं खाओ कचरा बोलो की चप्पल के जोड़ी जाली पाल के जोड़ी पर और मोहती ना सुनो मैं पानी भरा अरे सरोज तै अभी ले नहीं गयस? नहीं फिरंगे वो काहे ना कि बस में अबड़ भीड़ रहिस ना तेकर से ती नहीं गयो दूसरे बस के इंतजार करत हूं। अच्छा वो दे तो वही देते तोर बस आवत है। का मतलब? मोर मतलब है राकेश आवत है ते ओकरा संग निकल जाना कॉलेज। वो हम मोला लेगी कथस? काबा नहीं लेगी हमेशा तू जाते छस फिर आज काबा नहीं लेगी रही जा मैं ओला रोकत हूं। राकेश रुक 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 का है कॉलेज जाओ था ना? नहीं छेरी चाल जाता हूँ। कैसे हुदरे सन गोठिया था यार ए मैं हुदरा खोज के का बात है कॉलेज जाता तेला देखा था ना ऊपर ले पूछा था ते। हां अच्छा तै कॉलेज नहीं जाता? मैं आज थोड़ी देरी में हूँ तै सरोज ले जाना अपन संग। अच्छा रोज रोज इला कॉलेज ले जाके मैं ठेका ले रखा हूँ का? नहीं नहीं यार बस में आत रही। अरे ले जाना यार बस में आज भीड़ रही से तेकर से नहीं जा पाई इस बपरी। हाँ आज नहीं ये बपरी बस में रोजे भीड़ हो जाते। अरे मैं सब जानता हूँ। ए का जानतस? हाँ देख ज्यादा भाव झन खा तोर फटफटी में बैठे पर मैं नहीं मरत हूँ समझे। वाह चोरी ऊपर ले सीना चोरी चल चल बैठ जा का नाम ले बे ऐसे चलो रोज रोज के झंझट ले छुटकारा मिलीस। ए राकेश ले जाना यार। फिरंगी भैया तोला सिफारिश करके कोनो जरूरत नहीं समझे। मुहर होदा बादी में तो मैं मर जाता हूँ गौकिन। अच्छा फिरंगी भैया हाँ
हाय रानी, बाबा जल्दी में हंसका। डॉलर रोज रोज हीरो होंडा में बैठे में हंसकट नहीं लगेगा। अरे कभी हमरो संग भी बैठ। यहाँ का टुकुर टुकुर देखा था, चल भीतरी। तुमने क्या देखा था? जावे। अरे ला यार छोटू पान खिला। अरे शंभू तैं कदे डाल ले आओ था। डाले डाल ले आ तो भैया। राकेश दिखिस का? दिखी से आज तो दिखा था वो। का मतलब? हमर कॉलेज के जी छुट्टा टूरा नहीं है गुड्डू। अच्छा अच्छा अच्छा, कहा हो गए? आज ओला और वो कर दो तीन जन और लंगुरु मन के जम के धुलाई हो है। अच्छा, आज राकेश सर ओमन ल कुदा कुदा अक्षर है, भयंकर बत्ती दे है। चलो अच्छा होइस, एक ना एक दिन तो चोरा साले मल्ला मार खाना चली से। और हाँ फिरंगी भैया, यादव सर कहा दी से कि प्रिंसिपल सर कुछ मीटिंग रखे और वहाँ सबके रहना जरूरी है, तो किन यादव सर से मिल लेते हो तो। हाँ मैं कॉलेज जाते छाऊ, मिल ले हूँ। प्रिय छात्रों, आप सब लोगों को यहाँ एक आवश्यक सूचना देने के लिए एकत्रित किया गया है। सूचना यह है कि कल कौन सा कॉलेज? मेवो कॉलेज। हाँ हाँ, मेवो कॉलेज रायपुर से लगभग एक सप्ताह के लिए कुछ छात्र यहाँ पधार रहे हैं। लगभग कितने? 25। हाँ हाँ 25। वे यहाँ आकर हमारे प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों का अवलोकन करेंगे और हमारी ग्रामीण संस्कृति का अध्ययन भी करेंगे, और उनकी संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे कॉलेज की होगी। और मेरे को आशा है कि हमारे विद्यार्थी इस कार्य में हमारा भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। शांत रहिए, शांत रहिए। सुनिए, अभी के लिए ये सूचना है कि मैं जिनका नाम ले रही हूँ वो ये हैं: राकेश, कुंवर सिंह, परसराम, नागेश, आकाश, फिरंगीलाल। वे यहाँ रुक जाएं, बाकी सब जा सकते हैं। सरोज जी भाई, मैं तेरा कहाँ कहाँ खोजत रहे हूँ। काबर ये ले। एक आए चिट्ठी। चिट्ठी काकर? चिट्ठी राकेश की। राकेश? अच्छा अच्छा राकेश। क्या तुम आओ हो जाही। बात लझन बोरे रही बे। माँ मैं तो नौकर हूँ का, जा भूखे मर आज। बड़ा आया है, भात लझन बोरे रही बे माँ। अरे दाऊ जी आप बैठिए, प्लीज बैठिए। कहाँ बैठन साहेब, बैठे उठे के लाइक छोड़े कहाँ हो? कैसी बातें कर रहे हैं दाऊ जी आप, हमसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ गलती आप कहाँ, हमन करथन साहेब।
जौन सब ला अपन जानथन, आंखी मून के ककरो पर भरोसा कर लेता और अपन बन जाए के बाद कोनो चोट करते तब बड़ दुख होते सर। मुझे तो लगता है आज आप घर से कुछ सोच कर ही आए हैं। ताऊ जी प्लीज पहले आप बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ अब बताइए किस चोट की बात कर रहे हैं आप। देखो साहेब, एकर पहली सड़क कार्य के विषय में भी काफी बहस हो चुका है। मोला उमराव सिंह से कोनो दुश्मनी नहीं, फिर हाँ ओखर काम के जो तरीका है वो गलत है, और आप मन ओखर गलत काम ला रोके के बजाय ऊपर से हौसला बढ़ाते हो। ये क्या करें दाऊ जी, मैंने क्या हौसला बढ़ाया? अच्छा, बिना अखबार में इश्तेहार दे, बिना टेंडर बुलाए, चुपे चुप वो तीनों पुलिया के ठेका उमराव सिंह ला कैसे दे दे? कौन कहता दाऊ जी कि ऐसा हुआ है? मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं साहब, आपके बात के जवाब है मोर पास। अरे भाई बोल तो क्या बात है? अरे साहेब, वहाँ ठेकेदार के आदमी पहुंच चुके हैं और काम हर अब तक शुरू हुई है। बाहर के मजदूर आके अपन तंबू मंबू सब गाड़ चुके हैं और मन खुदे बतावत रहीं कि हमन उमराव सिंह के काम करे बर आए हैं कहके। ले आओ, सुन ले आओ। क्या करूं दाऊ जी, मेरे ऊपर भी तो दबाव है ऊपर से। दबाव अगर ऊपर से है हम ऊपर तक जाबो, फिर आंखी के आगू अति अन्याय और अत्याचार नहीं हो अंदर। दाऊ जी इस मामले को और आगे मत बढ़ाइए, मैं इसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है साहब, हम एक बार फिर आपके ऊपर भरोसा करके जा था, ये भरोसा ला बनाए रखना या बिगाड़ना आपके हाथ में है। चल हरी भाई। पधारिए, स्वागत है स्वागत है। छात्रों आइए आइए। अरे क्या, अरे अरे आजा, अरे आजा आजा भाई। कैसे हो? बहुत बढ़िया। ये चल, चलो 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 क्या बात है, चलो चलो आजा। मेरा सामान। ये बोझा तोरे आए का माता राम? What? ना ही ये बेग हाथ तोरे आए का कि था वो? Yes yes yes। जस बोझा? तास मन के। What? No 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 कुछ नहीं। सुनिए। का? What is your good name please? मोर नाम? फिरंगी, फिरंगी राम साहू। आप लोग बड़े अच्छे वक्त पर आए हैं, पड़ोस के गांव में मेला लगा हुआ है, यहाँ के लोग इसे मड़ई कहते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, चाय वाय पी लीजिए, फिर हम मेला देखने चलते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। Thank you.
शालीन गाँव वालों के साथ सभ्यता से पेश आओ। अच्छा सुनो, ये जितना जल्दी हो सकता निपटाओ। आज प्रिंसिपल साहब ने एक रोचक कार्यक्रम आयोजित किया, तो जल्दी अपने को वहाँ चलो। क्या प्रतिभा, खाएगी क्या? एक का चीज आए वो उसने का बताए याद है का? अरे प्रीति जी, आप छत्तीसगढ़ी घलो बोल लेता? क्यों, रायपुर के छत्तीसगढ़ के बाहर है? नहीं, वो तो हवा है। फिर मैं क्या, जब मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ, छत्तीसगढ़ में ही पली बड़ी। हालांकि मेरे मम्मी पापा बाहर से आए थे, पर मैं तो पूरे टाइम छत्तीसगढ़ में ही रही हूँ और अब भी हूँ। और फिर मेरी केजादाई भी तो है ना, मुझे छत्तीसगढ़ी सिखाने वाली। तब तो प्रीति जी, आप तो छत्तीसगढ़ी में ही गोठिया करो। आपके मुँह से ना छत्तीसगढ़ी बोली बहुत अच्छा लगते। अच्छा, कोनो जबरदस्ती है का? ए भाई कांदा देना वो। क्या पैसा दे होगा? पैसा के नहीं, रुपया के दे वो, 10 रुपया के। अरे जल्दी जल्दी देन वो। ये ले। अरे कैसे लगे समर करिया बन के बाजार है? हाय प्रीति, खरीदेगी क्या? अरे तेरे नखरे बाबा, हो गया ना। जुबे बहुत बोलता है तू, चल। बड़ा अजीब आदमी है। करना है कुछ काम, संगी माँ से शुरू करो। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़िया है, जरा ठहरो सजन मजबूरिया है। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़िया है, जरा ठहरो सजन के चूरी माथे के बिंदिया, हाथ के चूरी माथे के बिंदिया, कैसे आवे नहीं मोला संगवारी। रुपया दी से
जीवन गौटिया ओ करना होगा। औ काकी से जान था क्या लागे रही थे दीवानी तोरो बरे मोरो माया लागे रही थे दीवानी तोरो बरे मोरो माया लागे रही थे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाएं हम तेरी बाहों में मर जाएं हम तुझे देखा तो ये जाना सनम मजा नहीं है।
जल्दी आ जाना। कमान राकेश, चलो दो दो हाथ जमाते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। नहीं सर, आप ही मन खेला। हरी अब कुछ नहीं होता, आओ। ऐसे तुम रोज बिहेने ले ऐसे लसर लसर दौड़ते रहो का वो? शट अप। माया दे दे माया ले ले माया रो पीरित वाले कारे माया दे दे साबुना केते दाहन सालान जो केते दाहन गाँव आ जो आई केते दाहन चाल दिस वो कसबोदरा ए तुम्हारे साबुना थाले कावो एक कड़ी गोड़ा चिटी आगे रिश्ता लगा हाथ रे यार गोड़ा चिटी आगे तुम्हारे साबुना पाउर पे लगा ले जी छुट्टी नहीं तो आंगन में जी छुट्टी झल का भाई एक कड़ी लगा डर रहते कर बाजी जी छुट्टी कहाँ था निकाब जी छुट्टी देख रही है चिंगरी कोतरी रेगड़ी अरे बुढ़ी चुप रे पचक्की अरे बड़ा बहु वाली बना था रे फुसमाही भचकी हां मैं हूं वाली बना था ते नाक वाली यार नाक वाली ते दाऊ घर के साबुन नहीं ले आ तेरे किस बिन अरे बच्चा खम दाऊ घर के दरोगनी ना रे दरोगनी हां ते मोला बता था रे दरोगनी है ते नानुक साबुन का वाली ले रे किस बिन तेरे बच्चा बच्चा का मला कहीं धाली का हो कचरा मला कहीं धाली का हो लिरबुट लिरबुट ये दाई मैं मर गया दाई मैं मर गया दाई मैं मर गया दाई मैं मर गया दाई यार भिंडोल मला मारे तो कर सजा लपाने पागे ये कहाँ हो गया दाई बहुत धाली का आए बहुला क्या नाम बताया सर जीवन दाऊ कौन जीवन दाऊ उस इलाके के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं सर बड़े सच्चे और न्यायप्रिय उसी के चलते तो ये सब हुआ है सर वो तो ये कह रहे थे कि इस मामले की शिकायत मैं ऊपर तक करूंगा उसने ऊपर तक जाने की धमकी दी और तुम दबा के यहाँ आ गए देखो ऑफिसर बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा अपनी जिद मनवाता रहा हूँ और मुझे जिद्दी ही रहने दो तो अच्छा है खासकर तुम्हारे लिए सर आपकी कोई परंपरा टूटे ये मैं भी नहीं चाहता सर पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर बोलो क्या कहना चाहते हो सर आप अपने नाम से नहीं बल्कि अपने ही किसी आदमी के नाम पर ये टेंडर भरवा दे तो काम बन जाएगा सर सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी वाह क्या बात है ऑफिसर लाल भी टपक रही है और डर भी लग रहा है क्या करूं सर बाल बच्चे वाला हूं
कितने बच्चे हैं तुम्हारे? तीन बच्चे सर। बच्चे तीन और मियाँ बीवी कुल पांच है ना? जी सर। शारदा बाबू। जी भाई जी। ऑफिसर को 5 पैकेट नाश्ता करा दो। चलिए साहब, आपको नाश्ता करवाए दे। अच्छा सर, प्रणाम। चलिए। आयतिया बैठे की जगह है। पैसे पैसे थक गए क्या? प्रीति जी आप बहुत अच्छा गा था राकेश, कतेक मिठास है तोर गीत मां। ओहो प्रीति जी, अतेक तारीफ मत करो मोर बेसुरहा के। मैं अड़हा गवैया ताऊं, जैसने मन में आते वैसने गुनगुना लेता हूं। नहीं राकेश, ते सच में बहुत अच्छा गातस, कहां ले सीखे? कहां ले सीखे प्रीति जी? ये गांव देहात में कौन हरमुला गाए बजाए बर सिखाही? ये पथरला देखा था, ये मोर महतारी के कोरा बरोबर आए। ये नदिया, ये नरवा, डोंगरी, पहाड़, चिराई, चुरगुन, यहाँ तक के यहाँ के एक एक ठन पेड़ के संग मोर मितानी है। और इखरे सोबती माँ मैं पले बढ़े हामा, और यही मन मोला गाय बजाए बर उकसाथे। वो मिठास मोर गला में नहीं है प्रीति जी, ये हमार जंगल राज है ना, यहाँ के कण कण में समाए है। और नहीं तो मैं बेसुरहा कहाँ गाहूं और कहाँ बजाऊं? वाह राकेश, कतेक सुंदर विचार है। धन्य है ये छत्तीसगढ़ की माटी और धन्य है छत्तीसगढ़िया। आप सच में बहुत अच्छा हो प्रीति जी। काबर? छत्तीसगढ़ पर आपके हृदय में एक मान देख के बहुत अच्छा लगी। ऐसे का? हाँ प्रीति जी। ठीक है तो चल, बोला एक बार वही गाना ला सुना दे। काबर? कौन जबरदस्ती है का? Thank you.
टूटू भाई, क्या टूटू भाई, क्या यार मजा आ गया, मजा आ गया। कुछ सिगरेट विगरेट देना यार, कुछ पिलाना। क्या बात है वाह। अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, क्या कुछ नहीं रखते तुम, कमाल। अभी इंतजाम करते हैं, देखो। अबे सिगरेट पिला। मोर पास में सिगरेट नहीं है भैया, बीड़ी है। अबे ओ छत्तीसगढ़ी है, तेरे को हिंदी समझ में नहीं आती क्या? मैं तेरे को बोला ना सिगरेट दे। बोले ना साहब सिगरेट नहीं है, बीड़ी है। है? तेरी ऐसी की तैसी, मैं तेरे को बीड़ी पीने वाला दिखता हूँ। बड़ा बड़ा छोड़ना यार, छोड़ना यार। मैं देहातियों से डरता हूँ क्या? है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीड़ी पिलाने की? है? देखो भाई साहब, आप ला निशा ज्यादा हो गए, आप चुपचाप घर चले जाओ। अच्छा मैं घर चला जाऊँ? गवार कहेंगे तू मेरे को घर जानो क्या? अबे झूठ। कैसे छत्तीसगढ़ी समझ में आई इसकी? नहीं अरे प्रीति तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्यों? लो खाओ। ये क्या है? अरे खाकर तो देखो, स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया। सॉरी बेटा, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा यार, चक्कर तो देखो। कहा ना बेटा मन नहीं है, वैसे भी राकेश ने मुझे बहुत सारा उसना कांदा खिला दिया है, पेट में जगह बिल्कुल नहीं है। अरे प्रीति ये रोज रोज क्या उसना कांदा फुसना कांदा लगा रखा है, ऐसी चीजें तो ये गांव वाले देहाती लोग खाते हैं। प्रीति ये लो खाओ। प्लीज बाटा जिद मत करो। अच्छा तो नहीं खाओगी? नहीं। ठीक है प्रीति चलो जरा टहलकर आते हैं। ये क्या कर रहे हो बाटा, मुझे कहीं नहीं जाना है। प्रीति चलो ना। इस तरह की बदतमीजी मुझे पसंद नहीं बाटा, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। देखो मैं बोल रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। छुड़ा सकती है तो छुड़ा ले। देख बाटा, प्रीति जी और तुमन हमारे मेहमान आओ, और मैं नहीं चाहूँ कि यहाँ कोनो बखेड़ा खड़े हुए। क्या चुपचाप यहाँ चल दे, यही तोर पर अच्छा रही। अबे चुप। अरे तू कौन होता मेरे और प्रीति के बीच टांग लाने वाला? लगता है तेरी नीयत खराब है। देख बाटा, क्या प्रीति जी के हाथ ला छोड़ दे। नहीं ऐसे तल्ले। कि यहाँ पर क्या हो रहा है? सर सर ये चुप राकेश, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तमाशा बना के रखा है, बड़ी शर्म की बात है। तुम दोनों मेरे कमरे में आओ। प्रीति जी हमार मेहमान है, एकर हिफाजत करना हमार धर्म है। प्रीति जी हमार मेहमान है, एकर हिफाजत करना हमार धर्म है। प्रीति जी हमार मेहमान है, एकर हिफाजत करना हमार धर्म है। प्रीति जी हमार मेहमान है, एकर हिफाजत करना हमार धर्म है। राकेश
अरे प्रीति जी आप का बात है राकेश, ए रात के ढेरी माँ काला खुजत बैठे आवस? कुछ नहीं। अच्छा नाराज हसना मोर से? प्रीति जी या का कहा था राकेश? ए राखला देखा था बस काली रात ए हर आगी बनके कतेक जोर जोर से धधकत रहीस है ना? और आज वही आगी हर राख बनके अतिक शांत तो एक क्षण चिंगारी तक नहीं। हाँ प्रीति जी ये आगी के स्वभाव भी बड़ा अजीब होते जिन हर बम्बर असन बरे के बाद भी आखिर में जुड़ा के शांत हो जाते फिर आदमी आदमी मन के बीच ये दुआ भेद के जौन आगी है वो काबर नहीं जुड़ा हुआ है काबर नहीं थिरा है ये देहाती और सहरिया के बीच जिन लक्ष्मण रेखा है इन्हें काबर नहीं मिटा हुआ है कहा हम छत्तीसगढ़िया मन के भाग मां यही लिखा है कि हम जिंदगी भर दब के झुक के सब जन के डांटे फटकारला सुनत रिबो काबर हमला देहाती गवार की थे देहाती होना कोनो पाप है का? अरे राकेश नहीं तो साधु महात्मा मन बरोबर गोठे आवत है देख ये जंगल झाड़ी की जगह है कहीं बैराग लेके तपस्या में बैठे के तो इरादा नहीं है देख राकेश जौन हर ये गांव देहात के मोह मायाला नहीं चीनिस वो छत्तीसगढ़ ला का चीनिस एक गांव देहात के धुर्रा माटी मा माया पीरित के रंग समाये हवे और जौन हर ए रंग ला चीन लेते ए छत्तीसगढ़ ओला आपन रंग मा तर पतर कर देते राकेश मोला तो ये छत्तीसगढ़ के देहात बहुत अच्छा लागते और छत्तीसगढ़ के देहाती शांत हो जाइए अभी अभी राकेश ने हमें जानकारी दी है कि आज यहाँ पर रात को छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक गायिका ममता चंद्राकर का प्रोग्राम होने जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हम जरूर देखें और देखें ही नहीं बल्कि उनसे मुलाकात करें जरूर सर और लोक संगीत के बारे में कुछ जानें और समझें ओके यस सर Thank you.
मशहूर गायिका है। अरे मजा आ गया टूटू आज, ये अच्छा। आज बहुत देर हो गई प्रीति जी, मैं घर जाता हूँ, कल सुबह फिर आऊँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे राकेश सुन तो। का? एक बात कहे बार बुला गे रहे। क्या बात है प्रीति जी? बताओ। हाँ बता दो। हाँ हाँ बता दो ना प्रीति जी। सच में बता दो। अरे बता दो ना प्रीति जी। कोनो जबरदस्ती है का? मोला छत्तीसगढ़ के देहाती बहुत पसंद है। ले जा वो तो खड़े प्रीति। नहीं यार ओकर सहेली मन खड़े है, वो मन का सोची? कौन का सोची, तेकर चक्कर में पड़े रहिबे ता तो देवागे। ओकर जाए के समय हो गए। अरे रुकना भी, सरमल्ला तो कम से कम हटन दे। तहू निचट घोचो हस यार, देला चिट्ठीला मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं चिट्ठीला मैं खुद अपन हाथ ले देहूँ। अजा सुन सुन, ते ही मेरे खड़े रह, मैं हाँ प्रीतिला भेजता हूँ। नमस्ते सब जन ला, जय जोहार। हेलो हेलो। नमस्ते प्रीति जी। नमस्ते फिरंगी जी। आज आप मन के सबके जाए के बाद यहाँ बिल्कुल सुनना हो जाए। हाँ फिरंगी, ये बात तो है, यहाँ ला छोड़ के जाना हम मन ला अच्छा नहीं लगते। फिर का कर बे, आखिर जाना तो है ना। आप राकेश से मिले कि नहीं? नहीं तो कहाँ है वो? वो दे तो खड़े है, जाओ ना मिल लो। राकेश मोर चीज कहाँ है, ला दे। अरे ये जेब में का खोजत हस? मिठू ला जेब में धर के लाने हस का? मिठू? हाँ हाँ मिठू, ते मोला जाए के दिन मां मिठू दे हूँ कहे रहस ना। ला दे कहाँ है? अच्छा मिठू, धत तेरे की, जल्दी जल्दी भुला गया हूँ प्रीति जी। खैर कोई बात नहीं। अच्छा राकेश मैं जाऊँ? प्रीति जी। हाँ राकेश क्या बात है, ते मोला कुछ कहना चाहतेस? हाँ हाँ ना। राकेश मोर फोन नंबर तो तोर पास है ना? हाँ है ना। मैं तोर फोन की इंतजार करूँ राकेश, ते मोला फोन कर पे ना। जबरदस्ती है का? मैं जाऊं तो राकेश चलो प्रीति जल्दी करो, चलो चलो। अच्छा प्रीति जी नमस्ते। कैसे राकेश बाबू, मन के बात पहुंच गए? नोनी दसमत कहना करा का पहुंची यार, दिमाग खराब हो गए। दिमाग खराब हो गए मतलब प्रीति ने चिट्ठी नहीं दे पाए? ओहो लस खवा दे यार, ताहू निचट लुझरू आदमी है ईमान से। चल गाड़ी जल्दी स्टार्ट कर। काबर? अरे ते चलना यार जल्दी कर, बस के पिछला गुधर अभी ज्यादा दूरी नहीं गई हुई।
हाँ यार यही बहाना चिट्ठी मिट्टू दुलो देवा जाए। चल 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 गरियाबंद में छोड़कर आए थे, यहाँ कैसे? सर प्रीति जी तोता ले जाऊं बोले रही ना, उहिल देवर आए हो। अच्छा 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 ठीक है, अंदर प्रीति बैठिए, दे दो। माया दे दे माया ले ले माया रो तेरे तिल वाले कारे माया दे दे। प्रीति जी थैंक यू राकेश, कितने सुंदर मिठू है। प्रीति जी चलो चलो ड्राइवर चलो जल्दी चलो। सरोज आते नहीं जाना, मैं काते खुश होते ला। मारे खुशी के मैं पागल हो जाऊं ऐसे लागत है। सरोज मैं तुला अपन मन की बात बताना चाहता हूँ। उही सुने पर तो मैं कब से तरसा था। हाँ राकेश बताना, का बताऊं कहत रहस? नहीं मोला लाज लगते। कह तो तुरी मन बरोबर ले जावत है, बता ना। नहीं पहले ते आंखी बंद कर तब बताऊं। ठीक है बाबा ये ले, चल अब बता। राकेश भैया का है? राकेश भैया तो लदाऊ जी बुलावत है, जल्दी चल। दाऊ जी सरोज मैं जाता हूँ, मैं बाद में आके बताऊँ। नहीं ना Thank you.
बंधन टूट लो ये मोर दीवानी राखी रही हो अंतस मदान पू राखी रही हो अंतस मदान पूल रे संगी झुलबो झुले नारे झूल राखी रही हो अंतस मदान पूल रे संगी झुलबो झुले नारे झूल हावे सरसों के फूल रे संगी झुलबो झुले नारे झूल कैसे माते हावे सरसों के फूल रे संगी झुलबो झुले नारे झूल माटी के ही बगिया में फूल रे संगी झुलबो झुले नारे झूल माटी के ही बगिया में फूल रे संगी झुलबो झुले नारे झूल रे संगी झुलबो झुले नारे झूल रे संगी झुलबो झुले नारे झूल आइए भाई जी का भाई जी धंधा पानी बंद करके ये खेती बाड़ी कब से शुरू कर दिए हैं ये क्या भगते हो शारदा बाबू तेरे खेती बाड़ी में आवे का क्या मतलब है ये जमीन देख रहे हो हाँ देखत है कितनी होगी यही कोई 15-20 acres अरे वाह बड़ी चौकी नजर है तुम्हारी अरे हम आपके बिना कहा हूँ चौकी भी आपकी है नजर भी आपकी है शारदा बाबू इस जमीन को मैंने पानी के मोल खरीदा है जानते हो क्यों क्यों का हमको तो लगता है कि आप छत्तीसगढ़ या किसान बनने का मन में ठान लिए हैं किसान और वो भी छत्तीसगढ़ का शारदा बाबू ये जमीन और ये फसल देख रहे हैं ये एक बहाना है इस नए इलाके में सेंध लगाने के लिए जानते हो क्यों 2 साल इस जमीन पर फसल उगेगी इन 2 सालों में मैं यहाँ अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर लूंगा जितनी की छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों में है फिर? अरे फिर क्या 3rd साल इस जमीन पर फसल की जगह एक शराब की शानदार फैक्ट्री होगी शारदा बाबू शराब छत्तीसगढ़ियों की एक कमजोरी है और इसी कमजोरी का हमें भरपूर फायदा उठाना है समझ गए भाई जी समझ गए कचरा कहाँ आया आना भाई चले आ कहाँ जा था सिया कचरा फेंक के भर गया आना रोगी एक कनी बैठसनी अब और बूता पर है बहनी नहीं बैठन सका अब बूता वाली अब और दिन हो गए थे ऐ फूल का पर तो बेहसिया नहीं नहीं ऐसे न बने हम यहाँ तो कई घाव गलदार हो गए काया आई देखो ना कई घाव गलदार हो गए थे मैं तो बेहस नहीं आई देखो ना आ ये देख ले हाँ भाग भाई ये दाई कब कम आए लोग देखे फिर तो और सारिक नहीं देखे वो तो मोर सारिक तो मिनी छा वो तो कहा तू साला देख पे वो ए ए ए ए है का रे रोगी ए है ए है मैं थता वो मैं थता आठ दिन के ता ये कैसे हो गए रे रोगी काला बता भी बोत रहा का
ना बतावे वो शरीर के कमजोरी कारण से मोर ये दे 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 बहनी मोर ये दे 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 चुंदी मन फोकी फोकी हो गया नीचा टूटरी टूटरी हो गया कचरा हाँ बहनी तो ही टूटरी टूटरी बाढ़ है कि के भाका ना डॉक्टर मेरे की हूँ मोर चुंदी है बाढ़ जाए कि के आठ दिन के सूजी दी और आठ दिन के गोली दी बने गोली और सूजील करवाए बहनी तो ये चुंदी है नी बारिश हो मोर मैं छह दाम के तबले मैं छाकरी हो गया ते ओकर करा काबर के रह रोगी मैं मैके में रहना मला खसु गरा हो गई सिया त महू हा सुजी ते बाहू ते सुखा जाही कह के भाकनन करा गेरे ते वो डॉक्टर हा दाई अंधियार में लकर धकर में फैंसे को भेक सुजी में बला को तीस वो ते रहुना कत में पूड़ गया हाँ ते का कर बे ते खसु कर हा नहीं सुखाई हाँ डॉक्टर साहब हाँ यस मोर माँ के आंखें ठीक तो हो जाए ना डॉक्टर साहब हाँ हाँ क्यों नहीं आप मुला भुलियारा तो नहीं हो ना सही सही बताओ कोई घबराए की बात तो नहीं है ना अरे अरे पगले घबराने जैसी क्या बात है मोतियाबिंद तो एक छोटा सा ऑपरेशन है और वो मैं आज शाम को ही कह देता हूँ फिर एक दो दिन बाद छुट्टी ओके ठीक है डॉक्टर साहब अरे ते फिर शुरू हो गए हाँ चुप बिल्कुल चुप और खबरदार अब कुछ बोले थे बड़ा आए राकेश राकेश बुलैया हेलो कौन हाँ मैं प्रीति बोल रही हूँ प्रीति जी मैं राकेश बोला था राकेश राकेश ओ राकेश अच्छा ये बता अभी माँ हर कौन सा अस्पताल में हावे सीएमआई अस्पताल में ठीक है मैं तुरते उहे पहुंचत हूँ अगुर भी राकेश अरे प्रीति जी आप माया दे दे माया ले ले माया रो प्रीति वाले कारे माया दे दे कैसे हैं राकेश ठीक हूँ अच्छा राकेश माँ हर कहाँ है माँ हाँ माँ अभी थोड़ी देर पहले फिरंगी संग गांव निकल गए घर निकल गई राकेश ते माला थोड़ी देर आउ नहीं रोक सकत रहे प्रीति जी मैं सोचूं पता नहीं आप आहू कि नहीं बहुत अच्छा सोचे थे अब ये बता
ते यहाँ कैसे रुक गए? रायपुर में मोला थोड़ा काम रही, एक दो दिन दोस्त क्या रुक जाऊं, काम घलो निपट जाई, यही बाना रायपुर घलो घूम ले हूं। ऐसे तो ठीक है, चल मोर संग। कहां? ओफो, अरे ते चल तो सही। राकेश जानते हैं, आज मिठू हर तोर बहुत याद करत रही। मैं तोर याद काबर करू? बतावा, सच्ची बता दू? हाँ हाँ बता ना, काबर। सुन, काबर के तैमूर संग प्यार करता। अरे पगली, तै मोले का छिपा था? तोर मन के बात ला का मैं नहीं जाना हूं। तो रोम रोम हर गुहार पार के कहा थे, तै मोला कत्तेक मया कर था। प्रीति, मन के बात ला मन में धान के झंझट कही दे, जो तोर मन में है। राकेश, का कहूं, बिना कहे ते सब जान डारे। अब कहे बर अब का बाज गे, मोर मन की बात ला तही कह देना अपन से। ऐसे कह दे? हाँ। सच्ची कह दे? हाँ। तो पहली अपन आखिल बंद कर। काबर? कर तो। मैं हो गई हूँ दीवार, we'll be right back.
मोला के डोरी मा फांस डरे मोला सुरता के डोरी मा फांस डरे मोला देखिए मैडम कुछ अच्छा सा दिखाइए ना जी देखिए ये दीजिए जी हुई ना बात मैडम आपके लाने भी कछु दिखाएं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए अरे आप देख तो लीजिए मैडम आपके लाने बहुत ही बढ़िया चीज है जी देखिए ठीक है ये भी दे दीजिए बागू ये दोनों को पैक कर दो चल।
हाय प्रीति, क्या बात है? आजकल खूब खरीदारियाँ हो रही हैं, कोई खास बात है क्या? क्यों, किसी खास बात पर कोई खरीदारी करता है क्या? क्यों नहीं, साथ में जो देहाती लंगूर जो है। शट अप बाटा। अरे तेरे शट अप। आशिकों की इतनी भी क्या कमी थी शहर में जो गांव के देहाती मॉडल को उठा ला। मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुननी, गाड़ी हटाओ सामने से। अबे राकेश। अबे पनहिमा मारहू साले ऐसा तोर का बिगाड कर डरन भाई जे मा पनहिमा मारहू कहा था। अच्छा वो दिन भई गए आते छौ कह के टरक देस बे। का करबे दाऊ जी, पेट भी काली में जाला पड़ गए। वो अरे तोर पेट भी काली वो दिन साले, मैं तोर पर कुकराला ठेलिया के रखे रहे हूं। ऐसे ता लेना रे भाई, अब तो आगे आओ, कहां है तोर कुकरा? वाह, वो कोनो माड़े के चीज है बे, जो माड़े रही गए। चल चल वहां छैया में बैठबो, चल साल। अबे नटेर नटेर के कहा देखा था, नजर लगावे कहा? और फसल है तो गजब के दिखा थे दाऊ जी। अरे अभी के दिखे ले कहा वही गोवर्धन बाबू, तिजोरी के जावत ले गजब के दिखे तब ना। चल चल बैठबो, आ बैठ गोवर्धन सेठ। काके है गोवर्धन सेठ? अरे सेठ नहीं तो का कहा, घर द्वार ला छोड़ के हरर हरर एती ओती घूम घूम के मार बटोरा था बस। अरे अब तो थी राजा, एक ठन तो टूरी बहु राज हावा काली ससुराल चल दी, तहन बाज के चप्पो के चप्पो, डोकरी और डोकरा। अरे अतेक सकेल बटोर के काकर वर रखा था। अच्छा तोरो तो एक झंटूरा हवे, ते काबर मस्गिद्दा बरोबर यहाँ उड़ाला देते घाम प्यास में बैठे हावत जी। वाह मोर हाटूरा न हो जी। अरे भाई काली ओखर बर बिहाव हुई ताल बाल बच्चा हुई तो उखर मन भर जोर जगार के जायल पर ही ना। अरे तभी तो मोला पीतर पाक में बलाहीगा। अहो पीतर भात खाए बर आवे ना तो महुल हाँक पाल लेवे, हंसा संग में बगुला घलो तर जो। और सुना आज अकरा सो पानी कस ये ढार कैसे आ गए? घर डार गिरे हूँ, पता चली तेती आया तेती आ गया हूँ। कैसे दाऊ जी, मैं हर तोर कर एक विनती लेके आ रहे हूँ। कैसे अंते तंते को क्या था यार? अरे हम ननपन के संगवारी, तोर हमार का दुआ बे? का बात आए तेला सोच भाई नहीं गोठियास जी? ननपन के मितानी ला हमन रिश्तेदारी में बदल लेते कह के आ रहे हैं। राकेश पर हमार सरोज कैसे रही? ये ले। कॉलेज परन दिन के बात आए राकेश के माँ संग हमू मन इज गोटला गोठियावत रहन, अहु आज तक कही घलो दे। तब फिर ते का सोचे दाऊ? ए माँ सोचना विचारना का है जी, हमार डहार ले तो सोला आना सोचे सोचा है। फिर अंगीला रायपुर भेज के राकेश ला बलवा लेता हूँ, कहाँ ले दिन तिथि तय कर ले। वाह दाऊ, ते मोर मुड़ के बहुत बड़े बोझा उतार दे, तोर ये उपकार ला मैं जीवन भर निकला सकूं। देख गोवर्धन अब ते सही माम और पन्ही के मार खावे तैसे लागत है। ले बैठ दो, मैं जाता हूँ। हाँ। ज
जोहार ले। जोहार जोहार ले जा। बने सकेल बटोर के राखबे। काबर? अरे बिहाव मा ले देवर नहीं लागी जी। आओ ताऊ वरना घर भर के बोरी बोरा ला खाली करके सही सुता के रखे बे। काबर? कून कून के भर में नहीं जी। फलाना के चुरी मार गे जाने कैसे मैंने पते पड़े दाव के छोकरा राकेश और गोवर्धन के छोकरी ये दोनों जन के बिहा मार गे। तोला सुनाई आगे मोला सुनाई नहीं आई मैंने पत्या मार गे धूमरी मार गे पते आज खलो नहीं तू पर भोकलो ना फोकट के गोठे आत्री कहीं जाने नहीं ये दे भीतरी ढाल लेके के भाई हम लोग मुर्रा दी से आई मोला देना या आई मोला देना आई मोला देना तब हल में निम निम मानो राकेश के गोवर्धन के छोकरी के साथ बिहाव मार गए बात है चलत रही से चल सुन के मार गए फिर नहीं पता दोनों चल मोला। अरे मैं संग में राकेश से घुमा देता तब नहीं जानू वो। अरे संग में राकेश के घुमा था अभी भी तेरी बात घर में चला था चला था काजार पेरा। अरे गेट खोल रे सुनता नहीं है का हाँ गेट खोल रे पहली रसीद तो कटवा ले गेट बाद में खुली एतियो। अरे गेट खोल बरा है कारे हाँ नहीं नहीं पहले रसीद बाद में गेट खुली। उमराव सिंह का नाम नहीं सुना है का एक घाव कही देना पहली रसीद गेट बाद में खुली रसीद पूछा था रसीद कटवाओ इनका मार लकड़ी का चुराग लेगा से ऐसे राम लाल कहोगे तो राम सिंह के आदमी मन बोला मार के चल दे सर बोला रुक लो सर ठीक है मैं देख लेता हूँ राम सिंह
भाई जी हेलो, हम शारदा बोल रहा हूँ। भाई जी वो कहा है कि जौन गरिया बंद चेकिंग नाका है ना, जंगल विभाग का, वहीं पर हमारा ट्रक लकड़ी समेत पकड़ा गया है। हाँ वो ससुरा ऑफिसर जौन है ना, वो जीवन दाऊ का आदमी है और जीवन दाऊ का नाम लेके हम पर गर्जत रहा और हमारा ट्रकवा को जब्त कर लिया। आपका नाम बताया, चाय पानी का लालच दिखाया, पर वो ससुर तो हरिश्चंद का औलाद निकला। भाई जी कुछ करो, भाई जी कुछ करो। राकेश ए हर मोर केजा दाइया है, मोला सबले ज्यादा मया करैया। मैं जब 6 साल के रहे ना, तभी मोर माँ मोला छोड़ के भगवान के घर चल दिस। वो दिन है और आज के दिन केजा दाई मोला माँ के कमी कभू महसूस नहीं होन दिस। राकेश ए हर तो मोर सब कुछ है। पाँव पर तो केजा दाई रियत ना बेटा। केजा दाई पापा कहाँ है? वो बगीचा डाहर बैठे हैं बेटी। अच्छा केजा दाई, मैं राकेश ला पापा से मिला के आवत हूँ। चल राकेश। हेलो पापा। हेलो बेटा। राकेश ये मेरे पापा हैं। पापा ये राकेश। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। प्रीति के दोस्त हो? प्रीति के साथ पढ़ते हो? नहीं पापा जी, मैं गरियाबंद में पढ़ता हूँ। क्या गरियाबंद? रहने वाले कहाँ के हो? गरियाबंद के पास एक छोटे से गांव है बारुका, मैं वहीं के रहने वाला हूँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? खेती किसानी। कहीं तुम जीवन दाऊ के लड़के तो नहीं हो? जी हाँ, मैं ओखरे लड़का हूँ। अच्छा अच्छा, जीवन दाऊ के लड़के हो। आप उन्हें जानते हैं पापा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हालांकि उनसे मिला नहीं हूँ, पर उनके बारे में काफी सुना है। पक्के छत्तीसगढ़िया है तो राकेश? अब छत्तीसगढ़ में रहने वाला छत्तीसगढ़िया तो होवे कर ही ना पापा जी। ओ माँ, पक्का वो कच्चा है का बात है। वाह क्या बात है, अच्छा बोल लेते हो। मैं कुछ गलत कही पा रहा हूँ पापा जी? अरे नहीं तो, बहुत अच्छे, पिताजी ने सिखाया होगा ना। राकेश हमारा बंगला कैसा लगा? मैं कहा बताऊ पापा जी, मोला तो ये राजा महाराजा के महल बरोबर लगा थे। इससे पहले कभी देखा था ऐसा बंगला? नहीं पापा जी। देख भी कहा सकते हो, तुम रहते गांव में, और वहां ऐसा बंगला कहा, वहां तो घास फूस की झोपड़ियां हैं। क्यों राकेश? अच्छा प्रीति जी, बहुत देरी हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। रुको राकेश, पापा मैं राकेश को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। रुको प्रीति, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। राकेश पढ़ा लिखा नौजवान है, कोई अनपढ़ गवार नहीं जो बाहर जाने का रास्ता भूल जाएगा। क्यों राकेश? जी प्रीति जी मैं जाता हूँ। नमस्ते पापा जी। रुक जा राकेश। प्रीति मुझे इस तरह के लड़कों से मिलना पसंद नहीं है बिल्कुल, और ये बात मुझे दोबारा न कहनी पड़े। राकेश पापा की बात का बुरा मत मानना, वो कभी कभी गुस्से में आके बोल जाते हैं। एक बात बोलू, मेरे लिए जरा सा मुस्कुरा दोगे प्लीज? प्लीज कोनो जबरदस्ती है का? माँ। अरे सरोज आ बैठ बेटी, कैसे आज पढ़े पर कॉलेज नहीं गए? नहीं माँ, आज ढेरी ऐसी लगत रही ना, देखकर से नहीं गया। माँ हाँ, राकेश रायपुर ले नहीं आए है का? नहीं आए है, वो दिन रायपुर में का करते थे, ओकर बाबू हा काले फिरंगीला भेजो हूँ कहा रेस। देना माँ से मिला मैं नहीं मार देता हूँ। लेने मार, अब तो मोर घर में बहु बन के आते छस, ये सब काम बुता तो तुहिशला करे बर पर ही। सरोज सुन। हाँ माँ। राकेशला सेमी साग बहुत पसंद है समझे? मैं आके बोली खाती
बिन पानी के मछली बरोबर तड़प के मैं का कोनो आदमी भुइया में खड़े खड़े चंदाला छू सकते? का मतलब? कहूं ऐसी नहीं ना कि मैं भुइया के मामूली से आदमी आसमान में चमकर चंदाला पाए की कोशिश करता हूं। राकेश, वैसे तो भुइया ले खड़े खड़े चंदाला कोनो नहीं छू सके, फिर हाँ चंदाला पाए के दूसरा रास्ता भी तो हवे। दूसरा रास्ता? हाँ राकेश, मन से प्यार से श्रद्धा से ते एक बार चंदाला हाँक पारखे तो देख, ते पावे कि चंदा तो कब के आके तोर हृदय में समा चुके है, ते ओला कब के पा चुके हस राकेश। बस प्रीति, मोला अपन सवाल के जवाब मिल गए। मैं अपन चंदाला अपन हृदय में महसूस करत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मोर चंदा हर हमेशा मोर हृदय में समाये रहे। मोला तो डर लागत है राकेश। डर? का बात के डर? कहीं तोर चंदाला तोर से नगा के फिर कोनो हाँ आसमान में टांग झन दे। नहीं प्रीति, ऐसा झन कहा। हाँ राकेश, पापा ला
हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुके हैं। पापा ला हमारे मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तही कुछ कर राकेश। सब ठीक हो जाही। जानते घबराओत का परस। नहीं राकेश, ते मोर पापा ला नहीं जानस, वो कुछ भी करवा सकते। मैं सब जानता हूँ प्रीति, फिर मैं तोर से पूछा था, तोर पापा की डर हा हमार प्यार ला भुलवा सकते? का तोर पापा हमार माया ला अपन गुस्सा में जला सकते? नहीं ना, बस मोला अपन प्यार के ऊपर पूरा भरोसा है। तैं देख लेवे प्रीति, यही प्यार के बल में एक दिन मैं तोला जीत के रहूं। अब यहाँ एक एक पल हा मोला पहाड़ कस भारी लागते राकेश। ले चलते मोला अपन संग अपन गांव। ले जाऊं पगली ले जाऊं, बस थोड़ी कहू सबर कर ले। अबे ओ देहाती, तुम तो बड़ा हीरो बन रहा था, क्यों? आज बताता हूँ तुझे। डॉक्टर ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है नहीं, अभी तो बहुत कुछ होगा, समझे? इस हराम जादे को तो ऐसा सबक सिखाना है कि ये दोबारा फिर कभी शहर की तरफ रुख ना करे। देख बाटा, ये तो अच्छा नहीं करा था। अबे चुप, चुपचाप बैठा रहे। देख आज तू कुछ नहीं बोलेगा, समझे? मारो इसे। बड़ी माँ बड़ जोर से भूख लागत है, बासी बासी है का? चल हाथ मुला दो, आ खाना लगा दो। अच्छा तो छोटे दावर यहाँ हवे और मैं हरेला कहाँ कहाँ नहीं खोजा था। चलो अच्छा है, अकेला में मिल गए। असल में बात घलो अकेलच के हवे। राकेश मैं एक ठन बात पूछूं, नाराज तो नहीं होबे ना? राकेश कोनो लड़की बारे कते खुशी की बात आए ना, कि जौन लाओ चाहे माया करे, जिखर दिन रात वो सपना देखे वो हर वाला मिल जाए। मोरो तकदीर माँ ये खुशी लिखाए रहीस जोन मैं तोला पा गये हूँ। कुछ दिन बाद हमार शादी हो जाही, और शादी पर लड़की पर दूसर जन्म आए गए थे। मैं अपन दूसर जन्म ला तोर प्रीत की छैया माँ तोर माया के आसरा में बिताए के अर्जी लेके आए हूँ राकेश। राकेश का बात है, ते रोवत काबर हस? का तोला मोर बात अच्छा नहीं लागीस? पता ना का बात है राकेश, तोला मोर कसम है, सच सच बता, बताने ते महूर हो दे हूं। नहीं सरोज, तब मोर से ही बेमान बन अपन आंसू खटता छन कर। राकेश ये तोला का हो गए है, ये ते का गुठियात हस? मोर तो कुछ समझ में नहीं आवत है, बता ना। मोर से कुछ छन पूछ सरोज, सच्चाई जान के तोला दुखे छोई। वही तो कहा था मोर बाटा के दुख लगते मोला दे दे, दुख बांट के कम से कम
तोर मन के दुख तो हल्का हो जाही। सरोज, मैं अपने सुधा हमेशा अपना धुन में मगन रह गयो, तो मन के बात ला दिल लगी समझ के हंसी में उड़ा दे। मैं सिर्फ तुम कहता हूँ सरोज, मैं तुला वैसा न चले कभी नहीं देखे हो। तुम मुला अत्ते प्यार करता मैं कभी जाने नहीं पाया, और आज जब मैं जाने आऊ तब कहा हो गया राकेश। सरोज सरोज, मैं प्रीति ल प्यार करता हूँ। कहा प्रीति? हाँ सरोज, मैं और प्रीति एक दूसरे ला बहुत प्यार करता हूँ। दोनों जन संग संग जी हमारे के कसम खाया हुआ नहीं बताना सरोज। वो प्रीत के छैया तोर पर कहाँ से लाना, कैसे लाना तोर पर मैया के आसरा। मैं क्या करूँ सरोज, नहीं बता। ना तो मैं प्रीति के मायाला भुला सकाऊ, नहीं मैं तोला शादी से इनकार कर सकाऊ। जी प्यार के बल मां जीत के गुमान रही से, वही प्यार के बल आज मुलाहार होती। सरोज 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 अरे नहीं नहीं गिरधारी लाल जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब मुझे क्या ऐतराज हो सकता है भाई, आपने तो प्रीति को देखा ही है, और मैं चाहता हूं लड़का लड़की भी एक दूसरे को देख लें, ठीक है? तो फिर ऐसा करता हूं, कल नहीं परसों की फ्लाइट से मैं दिल्ली आ जाता हूं। ओके ठीक है, हाँ रखता हूं। प्रीति बेटे, दिल्ली वाले गिरधारी अंकल को जानते हो? गिरधारी अंकल याद नहीं आ रहे पापा। खैर छोड़ो प्रीति बेटे, मैंने उनके लड़के के लिए तुम्हारी शादी की बात चलाई है। लड़का दिखने में हैंडसम है, सुंदर है, खानदानी है, और हैसियत भी कोई हमसे कम नहीं है। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम उसको एक बार देख लो। वैसे तुमको कोई एतराज तो नहीं है ना? जी हाँ पापा। क्या? जी जी नहीं पापा। तो ठीक है प्रीति बेटे, परसों शाम को हम दिल्ली चल रहे हैं, तुम अपनी पैकिंग कर लो। जी पापा। बोल रही हूँ, चलो कल सुबह मुझे कहीं जाना है। मिकी क्या कल तुम मुझे पिकअप कर सकती हो? ओफो, सुनो इतने सवाल मत पूछो, मैं जो बोल रही हूँ ठीक ठीक सुनो। कल सुबह 10 बजे मेरे घर के पास वाले पेट्रोल पंप के पीछे एक आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके पहुँच जाना। हाँ मधु और रमन को भी अपने साथ ले आना। हाँ हाँ वो सब मैं कल तुम्हें बता दूंगी, समझ गई ना? रखती हूँ। भाची, ए भाची। अरे मम्मा ते कैसे आए हवस? एक जन नोनी हर सरोज के घर कौन मेरा आए ऐसे कही के पूछत रही से। मैं ओला कहे हो कि चल भाई मी ही तोला पहुंचा देता हूँ, ऐसे कही के ओला संग में लेके आए हवा। कौन नोनी आए मम्मा? कौन आए तेला तो मैं नहीं जाना भाची। कहाँ है? कहाँ है? अरे रे तो है। अरे प्रीति ते चल चला। बैठ। अच्छा प्रीति, ते यहाँ अचानक कैसे आ गए? हाँ सरोज, अचानक ही आना हुई। अकेला है हवस कि और कोनो है साथ में? मधु, मिकी, रमन सब साथ आए रही। वोमन कहाँ है? वापस भेज दे। वापस भेज दे? सरोज, मैं राकेश से मिले बर आया हूँ। सरोज, ते तो मोर हमजोली आस, तू से का छुपाना? असल में मैं और राकेश एक दूसरे ला बहुत प्यार करते हैं, और उही प्यार के खातिर आज मैं अपन बाप के घर ला छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए राकेश के पास आ गए हूँ। सरोज, राकेश से मिले माँ ते मोर मदद कर भी ना सरोज, कर भी ना सरोज। तू चल सरोज,
मोला तुरते मोर राकेश के पास ले चल। थोड़ी रुक जा प्रीति, चल पहले मुँह हाथ धो के खाना खा ले। नहीं सरोज, मोला पहले राकेश से मिलना है। अच्छा ते बैठ, मैं फिरंगी ला बोल के आवा था, वो जाके राकेश ला बला के ले आए। क्या बात है सरोज, ये राकेश फिर कहीं उदबिरिस तो नहीं कर दिस? राकेश नहीं फिरंगी, मोर किस्मत है मोर संग उदबिरिस कर दिस। मैं सोचत रहा हूँ ये दुनिया में मोर से ज्यादा भगवानी कोनो नहीं होही, मोर माया के कोनो पार पवैया नहीं होही, ना कोनो मोर पीड़ित के थाहा लगैया। मैं कह जाना हूँ कि मोर माया के बंधना में बस एक ठन गांठ हवे, आज गांठ हर छूट के हवे और मोर माया हर छरिया गए भैया। सरोज ये का कहत हस, ते मोला अपन भाई मानत हस ना, तो साफ साफ बता का बात है। फिरंगी भैया वो प्रीति। प्रीति कौन? वो रायपुर वाली? हाँ, वो अपन घर बार ला छोड़ के राकेश संग रहे बर यहाँ आगे हवे। का? हाँ फिरंगी भैया, प्रीति अभी मोर घर में हवे, ते जल्दी राकेश ला बला दे, प्रीति ओखर बिना नहीं रह सके। ये सब का होत है? जल्दी कर भैया। ठीक है सरोज, ते घर जा, मैं राकेश ला धर के लाना था। अरे फिरंगी, रातिक रात के कैसे? बाबा की तबीयत खराब है। बाबा की तबीयत? नहीं नहीं, टोकरी दाई की तबीयत खराब है, फटफटी लेके बर आए हो, डॉक्टर लाने बर गरिया बन जाऊं। चाबी तो राकेश करा होई ना? हाँ। राकेश हाँ? का है? तुला भी मोर संग चलना पर ही। जाए बर पर ही? कहाँ? सरोज के घर। सरोज के घर काबर? हाँ राकेश, अभी प्रीति सरोज के घर में है, यहाँ आहू कही के बड़ जिद करत रहीस, ले दे के मनाए हन। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई यार, कैसे कर? चल मोर संग प्रीति संग बात कर ले। माँ माँ बाप बेटा वा, ये ते बहुत अच्छा करे रे, हमार लाड प्यार के बने की मत चुकाए हवस। अरे ते तक काकरो रदर फदर में नहीं राहत रहे राकेश, ते ऐसे कबरे हो गए? अपन बाप के नाम लाते अच्छा उजागर करे रे। देख नोनी, अभी घलो कहीं नहीं बिगड़े, मोर बात ला मान जा और चल मोर संग, मैं तो ना कर। एक घाव घर ले निकल गया हवा, अब तुम्हारा काम हूँ लेके जाऊं। ऐसा घिघराई झन कर नोनी, अरे चल मैं हाथ तोर बाप से बात करूं, तुम्हारी गलती के मैं हाथ पांव जोड़ के माफी मांग ले हूं। चल देख, तैं मोर बेटी बरोबर हस, मैं तुला कोनो गलत रास्ता नहीं बताऊं, वही ला कहा था जोन मा सबो के हित है। मोर हित तो यहाँ हावे बाबूजी, फिर भी आप ला लगते कि मैं यहाँ आके गलती कर पा रहे हूँ, तो ठीक है मैं अपन गलती के माफी मांगत हूँ बाबूजी। ये क्या करते हैं? मैं जाता हूँ बाबूजी। रुक बेटी रुक जा, तै अकेले कहाँ जाबे, रुक जा। प्रीति। पापा। ओ, तो आप ही हैं जीवन दाऊ? हाँ भाई यही तो हूँ। मुझे उमराव सिंह कहते हैं। अच्छा अच्छा बहुत नाम सुने रहे हूँ, आओ आज देख भी ले हूँ। सुना तो मैं भी बहुत कुछ था जीवन दाऊ, पर देख कुछ आज और ही रहा हूँ। मैंने तो सुना था कि तुम काफी न्यायप्रिय समाज सेवी और क्या क्या हो, पर यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। ये अचानक तुम्हें पैसे कमाने की क्या सूझी, जो अपने बेटे को हथियार बनाकर मेरी मासूम सी बेटी के पीछे लगा दिया? उमराव सिंह, हम छत्तीसगढ़ी आदमी तुम्हार का ढोंग धतूरा नहीं जानन। अरे हमार खाए के और दिखाए के एक के ठन दांत होते, समझे? वही देख रहा हूँ जीवन दाऊ, वही देख रहा हूँ।
तू क्या समझता था? तू मेरी बेटी को बहला फुसला कर उसे अपनी बहू बनाकर मुझे ब्लैकमेल करेगा और फिर मेरी जायदाद से मुझे बेदखल करेगा? नहीं चिमनदाऊ, ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम्हें मेरी ताकत का शायद अंदाजा नहीं। मैं जमीन के बाहर जितना दिख रहा हूं उससे कहीं ज्यादा जमीन के भीतर हूं और मेरी जड़ें कोसों दूर तक फैली हुई हैं। मुझे हिलाने की गुस्ताखी मत करना। अव्वल तो मैं हिलूंगा नहीं, और अगर मैं हिल गया तो समझ लो पूरा छत्तीसगढ़ हिल जाएगा। उमराव सिंह, छत्तीसगढ़ ला हिलाने वाला कोनो माई के लाल पैदा नहीं हुए, बल्कि छत्तीसगढ़ अगर चाहे तो सारी दुनिया ला हिला के रखती ही, समझे? अरे ते का समझता है? ये गुंडागर्दी, ये भ्रष्टाचार और सड़े गले राजनीति के जाल में हमला फांस के ते अपन गुलाम बना ले, हमारे ऊपर राज कर बैठे हैं? नहीं नहीं उमराव सिंह, नहीं। दूध के झरेआन महिला घलो फूक फूक के पीथन, एक घाव धोखा खाए हैं, दोबारा इतना गलती नहीं करा। तय हमार सीधवा पल्ला कायरता समझे के गलती जानकर उमराव सिंह, किसी शरीफ लड़की को सिर्फ पैसों के लिए बहला फुसला कर उसे उसके घर से भगा ले आना कायरता नहीं तो क्या तुम्हारी महानता है? और सीधेपन की तुम क्या बात करते हो? और वैसे भी तुमने मेरे रास्ते में काफी रोड़े अटकाए हैं, उन सब का हिसाब है मेरे पास। लेकिन मैं इस वक्त अपनी बेटी को लेने यहाँ आया हूँ, उन सब का हिसाब मैं बाद में लूंगा। चलो प्रीति। नहीं पापा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। नादान मत बनो प्रीति, मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। बाबूजी, मैं वहां नहीं जाऊं बाबूजी, बोला अपन संग में रख ले बाबूजी, राखी बिना मैं नहीं रह सकूं, मैं मर जाऊं बाबूजी, मैं मर जाऊं, बोला बचा ले बाबूजी, बाबूजी। वाह दाऊ वाह, तुमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, एक ही रात ने मेरी मासूम सी बेटी पर जादू टोना भी कर डाला। अरे इतना भी मत गिरो दाऊ कि लोगों को छत्तीसगढ़ियों की सूरत से नफरत हो जाए। उमराव सिंह, एक हर ले आगू अगर ते एक शब्द भी मुंह से निकाले ना तो ठीक नहीं हो ही। प्रीति के पापा एक हर से तो लिहाज न करत हो, नहीं तो छत्तीसगढ़िया आदमी के दिमाग ला फिरे में ना टाइम नहीं लगा। और हाँ एक बात और सुन ले, ना तो हमला तोर धन दौलत के लालच है और ना मैं तोर बेटी ला भगा के लाने आओ, समझ में आई? उमराव सिंह, मोला अगर वैसने करना रीतिस ना तो मोर में आपका दम है कि मैं तोर बेटी ला तोर नजर के सामने से उठा के लाते हूँ और तय ओला देखते रहते, समझे? चुप कर, चुप कर। उमराव सिंह, अपन बेटी ला धर और जा यहाँ ले, जाओ। बेटी को तो मैं ले ही जाऊंगा जीवन दाऊ, क्योंकि पहले मुझे तुम्हारी नियत पर सिर्फ शक था, पर अब तो पूरा यकीन हो गया है कि पैसों के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। क्या पता उन्हीं पैसों के लिए तुम मेरी बेटी को बाजार में बिठा दो। उमराव सिंह, बस कर उमराव सिंह, बस कर, कहीं ऐसे छन हो जाए कि आज के दिन हर 1947 के सुराज का ये भैया मरे गांव सुराज के दिन हो जाए, गुंडागर्दी के खात्मा के दिन हो जाए। जा, चले जाए यहां ले, चले जाओ, चले जाओ। ओफो, इतनी अकड़। शारदा बाबू, बुलाइए पुलिस को। रुकिए पापा, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसा करने से इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, सारे विवाद की जड़ मैं हूं ना। चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए। जीवन दाऊ, आज जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं, कोशिश करूंगा कि वो हरे रहें, मुझे टीसते रहें और तड़पाते रहें और इसी दिन की याद दिलाते रहें। चलता हूं, जल्दी तुमसे मुलाकात होगी। आजा भी रे सिया, आजा भी रे, आजा भी रे सिया, आजा भी रे।
बैठे बैठे ये जिन मिला कैसे में हाँ बिदारे दस्ती आ जावे बैठे बैठे ये जिन मिला कैसे में हाँ बिदारे दस्ती आ जावे मोरे सैया बिदेसी आ जावे मोरे सैया बिदेसी आ जावे
पुलिस स्टेशन है। छोड़ 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 छोड